भारत की सुरक्षा बलों के आगे पाकिस्तान के सारे दांव, शाम दाम दंड भेद, इसके अलावा कुछ और भी बच गया हो तो वो भी वो कर चुका होगा, लेकिन नतीजा शून्य है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का नतीजा है कि पाकिस्तान के करोड़ों रुपए अब धू धू कर जलेंगे या फिर वो पानी में बह जाएंगे। जी, ये जो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के उरी और पंजाब की हैं। इन दोनों ही जगहों पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर में राजा ताल में स्थित बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के पास से सुरक्षा बलों ने ड्रग्स के 6 पैकेट बरामद किए। बीएसएफ डीआईजी ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने अमृतसर के राजा ताल में बॉर्डर के पास से ही एक पाकिस्तानी तस्कर काशी अली को गिरफ्तार किया। ये पाकिस्तान के मनियाना का रहने वाला है। उसके पास से 6 पैकेट हेरोइन मिली है। इतना ही नहीं, इस पैकेट पर पाकिस्तानी मार्किंग भी मौजूद है। आज जो सीजर हुआ है वो 6.5 किलो का सीजर है, ये हिरण का, और साथ में एक पाकिस्तानी स्मगलर को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। इसका बीओपी राजाताल में पकड़ा गया है, और ये जो पाकिस्तानी स्मगलर है इनका नाम काशी अली, इनके पिताजी का नाम रहमत अली, और ये गांव मनियाना के रहने वाले हैं पाकिस्तान के। कोई फायरिंग हुई जब ये आएगा इसको? नहीं, बीएसएफ जो है फायरिंग जो है वो हमने इसको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद में संतरी ने अपने को तैयार रखा था, लेकिन फायरिंग की नौबत नहीं आई और हमारी जो पार्टी सर्च कर रही थी उसने इसको पकड़ लिया। ये सब तहकीकात के मसले हैं, अभी सभी पार्टी सभी एजेंसीज मिलकर क्वेश्चनिंग करेंगी, उसके बाद ये सब चीजें मालूम चल पाएंगी। उधर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों को शनिवार को संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चला दिया गया। नतीजा ये रहा कि वहां 25 से 30 किलो हेरोइन के पैकेट मिले। इसे पुलिस को सौंप दिया गया। इसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के अलॉन्ग उड़ी सेक्टर में जो है जो इंडियन आर्मी के अलर्ट ट्रूप्स थे वहां पे उन्होंने मंशात की एक जो पुश हो रही थी अक्रॉस दी एलसी कंसाइनमेंट को बरामद किया है, इसको जब्त किया है वहां से। वहां पे जो हमारे ट्रूप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थे उन्होंने एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है वहां पे ऑब्जर्व करी। दिन में तकरीबन 1 बजे के करीब ये वाकया पेश आया, और इसके बाद वहाँ पे जब मौके पे गए तो वहाँ से जो कोशिश कर रहे थे इसको पुश करने की जो ड्रग पेडलर्स थे वो वहाँ से वापस भाग गए, और उनका सामान वहाँ पे छूट गया, और इस हॉट परसूट के दौरान फिर वो जो सामान वहाँ पर गिर गया था उसको वहाँ से जब्त कर लिया गया। जब्ती में जो हमारे सामने आया है कि कुछ बैग्स थे, बैकपैक्स, कुछ गनी बैग्स भी थे, सीमेंट बैग्स जिनके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग्स हैं, इसके अलावा कुछ और वहाँ पे जैसे कार्टन्स वगैरह मिले जिनके पास जिनमें पाकिस्तानी मार्किंग्स हैं, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रबैंड है जिसकी मिकदार तकरीबन 25 से 30 किलो है उसकी वहाँ पे जो है सीजर हुआ है। इसका करंट वैल्यूएशन जो है 20 से 25 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है, और इसमें जो हमने फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनकी तफ्तीश जो है वो स्टार्ट कर दी है। हमारा रابطہ जो है आर्मी के साथ बराबर बना हुआ है, और इसमें हम जो हमारी खासकर वहां पे जो लोकल नेटवर्क है उसको अनर्थ करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान एक तरफ आतंकी भेज रहा है तो दूसरी तरफ ड्रग्स भेजकर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे की लत लगाना चाहता है और उनकी तबाही की कहानी लिखना चाह रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों के आगे उनकी सारी प्लानिंग स्वाहा हो जा रही है और पाकिस्तानी पैसे ही तबाह हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।